हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आपको मैं भुने हुए चने के लड्डू की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये इतने पौष्टिक और हेल्दी होते हैं, बहुत ही आप सभी को पता होगा इनके गुणों के बारे में। लड्डू बनाने के लिए हमने 2 कटोरी भुना हुआ चना लिया है, 1 कटोरी बूरा लिया है, किशमिश लिया है, काजू लिया है और भी ड्राई फ्रूट्स अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, और 1 कटोरी घी लिया है। चना को पीस लेते हैं, उसका आटा बन जाता है। इसको ना तो ज़्यादा हम बारीक पीसते हैं ना मोटा पीसते हैं, इसको मीडियम ही रखते हैं। और हम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें सारा पिसा हुआ चने के आटे को उसमें डाल लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी हमने लिए हैं वो मिक्स कर देते हैं, घी ऐड कर देते हैं, बूरा ऐड कर देते हैं और इसका सारा मिक्स करके लड्डू बनाते हैं। और लड्डू बना के फिर हम रख देते हैं। तो दोस्तों देखो हमारे कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं। ये रेसिपी ऐसी है जो झटपट बन जाती है, बहुत ही पौष्टिक टेस्टी बनते हैं। एक बार आप सभी ट्राई करके देखना। धन्यवाद।